आज मैं आपको गुड बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी जो हमारे शरीर में जाके B12 को क्रिएट करेंगी। तो हेलो एवरीवन, मैं मोना ग्रोवर हेल्दी मिलेट बेकरी से। आपने जैसे सुना ही होगा अमली के बारे में और कई तरह के उसमें मतलब लोगों को नहीं पता होता कि उसको कैसे बनाना है, तो मैं आज वो आपको डिटेल में बताऊंगी कि उसको कैसे बनाना है, उसमें पानी कितना यूज होगा, उसके क्या फायदे होते हैं, कैसे उसको खाना है, उसको कैसे यूज करना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी आपको। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। एक हमें मिट्टी का बर्तन चाहिए और मिलेट्स चाहिए। मिलेट्स आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जिसमें कंगनी, कुटकी, कोदो, हरी कंगनी और सामा है। तो और हमें पानी चाहिए होगा। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हम एक कटोरी मिलेट लेंगे और उसमें 15 गुना पानी डालकर उसको 8 घंटे के लिए हम भिगो के छोड़ देंगे। और फिर 8 घंटे बाद हमने क्या करना है, उसमें उसी बर्तन में ही हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। अब देखो मैंने ये क्या किया कि जिस पानी में हमने मिलेट्स भिगोए थे उस पानी को मैंने अलग से उबालने के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। इससे क्या होगा कि जैसे ये बिल्कुल स्लो कुकिंग होती है, इसमें मतलब धीरे धीरे पकता है, तो और हम इसको तेज आंच पे नहीं कर सकते। तो पानी को अगर हम पहले से ही गर्म कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत इजी हो जाएगा और थोड़ा सा जल्दी भी ये पक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पानी को मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, गैस हमारा ऑन है, मैंने धीमी आंच पे ही हम इसको पकने के लिए रख देंगे और अब इसको हम पकने देंगे। हमने ध्यान क्या रखना है कि इसमें जब भी हमने इसको पकाना है तो इसमें हमने कोई नमक नहीं डालना है। ये देखो ये अब हमारी ये तैयार है। हमने इसको इतना ही पतला रखना है और अब मैं गैस बंद कर दूंगी। इसको कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं और ये पक चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा ठंडा हो गया है और अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने एक मसलिन क्लॉथ लिया, कॉटन का कपड़ा, अब मैं इसको बांध दूंगी। और इसको हमने कम से कम 6 घंटे के लिए हमने इसी तरह से इसको फर्मेंट होने के लिए या खमीर के लिए इसको छोड़ देना है। अब ये देखो हमारी जो मिलेट अमली है ये तैयार है और अब हमने इसको क्या करना है, इसी तरह से इसको पतला ही रखना है क्योंकि हमने इसको खाना नहीं है, इसको पीना है। अगर इसको हम पियेंगे तो ये सीधा आंतों में जाएगा और गट बनाएगा, और अगर हम इसको गाढ़ा बनाएंगे तो ये पेट में जाके एसिडिटी से पचेगा। तो इसको हमने कम से कम 2 से 3 गिलास सुबह पीना है और इसको कोशिश करो कि नाश्ते में हम इसको पीना शुरू करें। तो अब हमारा ये देखो ये इसको हमने क्या करना है कि एक तो ध्यान रखना है कि इसको बार बार हमने इसको गर्म नहीं करना है और जैसा ये होगा वैसे ही हम इसको पी लेंगे। और इसको फ्रिज में नहीं रखना होता है, नहीं तो क्या होगा, जो इसके जीवाणु हैं, माइक्रोब्स इसमें जो आते हैं वो मर जाएंगे। तो हम इसको एज अ ड्रिंक की तरह इसको हम पी सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्या ये इसको एक ग्लास में लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्च और ये नींबू, अगर आपको सूट करता है तो आप ये नींबू भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इसी तरह से हमने ड्रिंक की तरह इसको पीना है।